नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टूडेंट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GNST और PNTST के सिलेबस के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और प्री नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या है इसका सिलेबस। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है इसके सिलेबस के बारे में जानना, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा क्या कि और भी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रिजल्ट की, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वह आप तक इजीली पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं प्री नर्सिंग सिलेक्शन प्रवेश परीक्षा 2018, ठीक है, पाठ्यक्रम सिलेबस। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में आपका जनरल इंग्लिश। तो शुरू करते हैं हम फिजिक्स से, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सभी टॉपिक्स के आपको नाम नहीं बता पाऊँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाइएगा, ठीक है। फिजिक्स में देखिए यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अक्सर इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, SI यूनिट्स, मोशन इन डायमेंशंस, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एसेलेरेशन, ठीक है, जनरल रिलेशन एमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, पोजीशन और वेलोसिटी में जो जनरल रिलेशन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड इनर्सिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, स्टेटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिक कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, जो एनर्जी के टॉपिक हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, इनसे दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एनर्जी के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि जो यूनिट्स और डायमेंशन है, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़िए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एंगुलर कंजर्वेशन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। इसके बाद एसेलेरेशन का टॉपिक्स आ गया आपका, ठीक है, इसके बाद आपका ये हुक्स लॉ है, ठीक है, आपका इलास्टिसिटी से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों आपके, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेम्परेचर, शेयर एंड बल्क मॉडुलस। इसके बाद आपका हीट से रिलेटेड टॉपिक आ गया, आप देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट्स एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि हीट से रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, पेरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, पेरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप देख सकते हैं ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, आपका वाइब्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कंडक्शन एंड रेडिएशन, आप जानते हैं दोस्तों हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। इसके बाद आ गया आपका वेव नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इसके बाद आ गया आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोस्तों रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का टॉपिक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, डिस्पर्जन इन प्रिज्म, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। वोर मॉडल ऑफ द एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्यूजन, एक्सरे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके दोस्तों। यहाँ पर देखिए और टॉपिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री पर, ठीक है, इसमें पहला है आपका जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्ड,
सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो टॉपिक है इसमें अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ न्यूक्लियर बोर्स, एटम मॉडल, क्वांटम नंबर्स, ठीक है आप देख सकते हैं, डी ब्रोगली रिलेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स, केमिस्ट्री बॉन्ड आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशंस, इसका सॉलिड स्टेट्स, इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे लॉ। इसके बाद आ गया आपका फैराडेज लॉ में, आप देख सकते हैं दोस्तों वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद आ गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन पहला टॉपिक, दूसरा है आपका कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद मेटल्स, इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पायरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्कलिन्स, नॉमन क्लेचर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आप देख सकते हैं हेक्साक्लोराइड। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉलीमर भी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉलीमर का। इसके बाद आ गया आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप देख सकते हैं पहला है बॉटनी, बॉटनी का सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों नर्सिंग के लिए यह टेस्ट है तो यहाँ पर वे बायोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देख यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इकोसिस्टम, रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वीट एंड राइस, यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद आ गया आपका जूलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर। इसके बाद टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक, जूलॉजी, आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है दोस्तों। इसके बाद आगे आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसको आप एक बार और देख लीजिए, चलिए जनरल इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रेशन, वोकेबलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, ग्रामर एंड यूजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें वॉइस नरेशन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, सेंटेंस टाइप्स, कॉमन एरर्स, स्पेलिंग्स, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और प्री नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट का सिलेबस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप दोस्तों एक से दो बार पढ़िएगा और इसके बाद आप अपनी बुक से पढ़िएगा, ठीक है, इन टॉपिक्स को, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर यह वीडियो हमारा आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।